एक पाशा भाई है ना, दोषे डाल रहे समीरा के वास्ते, मम्मी के वास्ते, हम सबके वास्ते। देख सकते हैं पाशा भाई कैसा दोषा डाल रहे हैं और कितना जबरदस्त गोल, एकदम परफेक्ट दोषा रहता है इनका। पहली बार डाल रही हूँ तो क्या बात है, कैसा आता, क्या बात है, क्या बात है, अच्छा ही आया। देख सकते हैं दोस्तों कितना गोल डालते, तो परेशान नहीं करना। यो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर समीरा जैन ब्लॉग। तो मैं सुबह उठ के फ्रेश हो गया था, फ्रेश होकर पानी पीने गया था किचन में, तो वहाँ पे देखा हमें पाशा भाई है ना, दोषे डाल रहे समीरा के वास्ते, मम्मी के वास्ते, हम सबके वास्ते, लेकिन स्पेशली जो हमारे समीरा है ना, घर के दोषे बहुत मज़े से खाते। तो पाशा भाई जो है समीरा को भी सरप्राइज़ देना चाहते क्योंकि घर के दोषे उनको बहुत पसंद है। तो मैं सोचा कि क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि प्लान तो नहीं था लेकिन वो दोषों को देख के प्लान बन गया, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बनाते हैं हमारे पाशा भाई जो दोषे हैं, ज़बरदस्त दोषे बनाते हैं ना। तो चलिए अभी देखते हैं हमारे मम्मी क्या कर रहे हैं, समीरा क्या कर रहे हैं और पाशा भाई कैसा बना रहे, क्या कर रहे, ये व्लॉग में मैं सब बताने वाला हूँ आप लोग को। और समीरा खा के कैसा है क्या नहीं सब बोलेंगे, मम्मी भी बोलेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो मिलते हैं समीरा के पास। दोस्तों देखो ना सो रही, ओ हेलो हेलो समू, ओ डूडू ओए डूडू उठो जी, समू उठो, एक सरप्राइज है आपके वास्ते, सुने। अरे आजकल सरप्राइज बोले तो भी नहीं उठ रहे, पहले सरप्राइज बोलते क्या है बोल के उठ के बैठ जाते थे तो सडन। हाँ उठो जी, अरे अरे उठ के फ्रेश हो जाओ, क्या टाइम हो रहा मालूम तुम्हारे को, 9 बज रहे जी, उठो जल्दी, अरे एक सरप्राइज है आपके वास्ते, उठे तो सरप्राइज मिलता, जल्दी उठो उठो उठो। अरे सोते च रहते जी भाई रोज, अब तो उठो ना तुम, सरप्राइज है बोल रहा हूँ मैं, उठो जल्दी, नहीं उठ रहे ऐसा, ठीक है जान दो, मैं ले लेता तो सरप्राइज, समीरा के बदल मेरे को दे दो, बोल दो चलो घर जाने दो, इन तो उठ रहे नहीं और इन नींद के बहुत कच्चे हैं, अगर मैं और ज़्यादा उठाया तो मेरे को झिड़कियाँ सुन लेना पड़ता और सुबह सुबह झिड़कियाँ सुनते के मूड खराब हो जाता अपना। तो खैर जाने दो इनको, थोड़ी देर सोने देंगे, अपन जाके पाशा भाई को कैप्चर करिए, क्या बोलते, चलो। तो गाइस देख सकते हैं पाशा भाई जो है कैसा दोषे डाल रहे हैं, तो पाशा भाई से थोड़ा डिस्कस करेंगे। पाशा भाई नहीं डालिए डालिए डालिए, डालने के बाद बात करेंगे अपन। देख सकते हैं पाशा भाई कैसा दोषा डाल रहे हैं और कितना जबरदस्त गोल, एकदम परफेक्ट दोषा रहता है इनका और खाने के बाद तो और भी जबरदस्त रहता। बैगन नजर मत को लगा, क्या बोले नजर नहीं लगाते। वैसे पाशा भाई अचानक से दोषे का कैसा ख्याल आ गया ऐसा बनाने का? चलिए क्या है बोले तो, हाँ हाँ इधर बोलिए, व्यूअर्स को बोलिए, वहां देखा तो मैं दोषे का काम बैगन में मिल जाता। अरे नहीं नहीं दोषा, आप इधर भी देख के उधर भी बात कर सकते हैं, आपके दो दो आंखें हैं पाशा भाई। ये दोषा गरम है, दोषा ऊपर से खून गरम हो रहा मेरा और तुम आके ऊपर से नहीं यार थोड़ा ये अचानक प्लान बन गया कि दिखाएंगे पाशा भाई दोषे भी बेहतरीन बनाते हैं, जबरदस्त बनाते हैं, बल्कि वो हिसाब से एक्चुअली 2 डेज पहले मैं भाभी को कॉल करा था। अच्छा सुबह ब्रेकफास्ट लेके हम जा रहे थे जी, तो उन्होंने बोले ज्यादा बाहर का नहीं खाना। अच्छा प्लान बना लिया के व्लॉग बनाएंगे बोल के। तो अच्छा तो समीरा बोले के बाहर का नहीं खाते ज्यादा, तो इसलिए तुम घर का घर में दोषे बना रहे उनके वास्ते। तो गाइस कभी भी जिंदगी में याद रखो, हर चीज का एक्सपीरियंस है ना इंसान को, वाइफ की भी कभी भी तबीयत खराब हो सकती, ऐसा टाइम अपने को कभी भी आता। बेशक बेशक, लाखों में की एक बात बोले पाशा भाई, बहुत जबरदस्त बात बोले। तो चलिए अभी कैप्चर करते समीरा को, देखते हैं कि उठे नहीं उठे, और मम्मी को भी फिर से कैप्चर करते। जब तक पाशा भाई आप दाल के आवाज दीजिए, क्या चटनी बनने तक ठहरो पिछ मैं देखो इन अभी तक भी सो रहे, उठो बोले तो उठो सम्मू, 11 बज रहे सम्मू, मैं 9 बजे गया बोल के, सम्मू उठो उठो जी 11 बज रहे, ओए उठ रहे नहीं उठ रहे तुम, उठो जल्दी सम्मू उठो जी। क्या जी अस्सलाम वालेकुम,
वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है रे जी आप सोना? अरे उठो जी, स्पेशल आपके लिए सरप्राइज से, जल्दी उठो। क्या है? तुम फ्रेश हो क्या? जल्दी चलो, फ्रेश हो क्या? बाहर हाँ ठीक है, फिर सो रहे तो नहीं ना? पहले नींद के कच्चे है तुम, कब लुढ़क जाते नहीं मालूम। उठ के आना, वेट कर रहा हूँ मैं बाहर तुम्हारा। I don't know friends, क्या सरप्राइज है? उठो उठो, बोल कैसा कर रहे, मेरी नींद खराब हो गई। वैसे भी 11 बज रहे, कल शूट थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड थी मैं। देखेंगे क्या सरप्राइज है, अब जल्दी जाके मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो दोस्तों मम्मी यहाँ पे है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। मम्मी आज नाश्ते में क्या बन रहा? क्या बन रहा बोले तो आपके भाई पाशा भाई दोशे बना रहे। हाँ। और खास तौर पे भाभी के वास्ते। अच्छा। पसंद है कहते। अच्छा। समीरा को तो दोशे डाल रहे। हाँ। बहुत अच्छे बनाते दोशे। अच्छा। बहुत मजे के बनते। अच्छा। समीर के हाथ के दोशे। अच्छा। तो सब खाना है। अच्छा, तो मम्मी भी वेटिंग में बैठे हुए बोलो। हाँ। सुबह सुबह उठ के मैं तो समझा तुम्हारे सरप्राइज देने, तुम्हारे सरप्राइज देने के वास्ते, सबको देने के वास्ते आधी रात को बैठ के पीसे। अच्छा, रात में मालूम था तुम्हारे को? हाँ, रात में मालूम था पीसे। अच्छा, तो अच्छा, तो मेरे को नहीं मालूम, समीरा को नहीं मालूम, किसको भी नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारे को बोल दिया पाशा भाई समझो। पीस रहे थे ना? अच्छा 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 अच्छा, तो ऐसा है क्या? तो अभी तो समीरा फ्रेश होके बाहर नहीं निकले, तो समीरा भी बाहर निकलते खुद बताएंगे क्या है क्या नहीं। देख सकते हैं हमारे पाशा भाई के दोशे खाने ये लोग अभी आ गए। ये हमारे पड़ोसी है, यहाँ पे हम लोग इन लोग को दाने डालते हैं, तो ये रोज़ आते हैं खाना खाने के लिए और हम लोग से बात भी करते हैं। लेकिन इन लोग को क्या है कि करीब गए तो उड़ जाते हैं, इसलिए मैं क्या है जितना कैप्चर हो सकता है उतना कैप्चर करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं अभी देखो कैसे उड़ जाता है ये पाशा भाई। देखिए पाशा भाई का नाम ही काफ़ी डर के भाग गए। तो दोस्तों समीर जब से पुकार रहे थे, क्या हुआ समीर भाई, कहीं को पुकार रहे थे? ओहो, स्पेशल अंडे का दोशा गल रहा है, देख सकते हैं। यही बताने के लिए बुला रहे थे जैसा है नहीं? अच्छा, कुछ तो भी बोलो समीर भाई। पाशा भाई पहले बीपी कम हो गया, तबीयत खराब रख लेके मैं डाल रहा हूँ तो। नहीं खा रहे भी नहीं भाई। नहीं नहीं, वो समीरा उठ रहे थे तो उसके वजह से उठ गए शायद, उन्होंने बाहर ही थे तो आने वाले हैं, तो आके देखते क्या है क्या नहीं। देख सकते हैं। तो पाशा भाई इसकी चटनी नहीं है क्या? चटनी है कहाँ पे? तो ओहो माशाल्लाह, देख सकते हैं पाशा भाई चटनी भी बना चुके हैं, इसकी पहले ही चटनी बना के रख चुके हैं। तो देख सकते हैं, तो मम्मी भी आ गए। अरे अरे अरे, मम्मी तो प्लेट ले लेके चाह गए, हो गया क्या बोल रहे? भूख लग रही मम्मी को, भूख लग रही कहते क्या है पाशा भाई, मम्मी को भूख लग रही कहते दाल के दे दो। तो भाई आप ना भी सीख जाओ, मम्मी की भी तबीयत खराब हुई तो अपन बना ले के खा सकते हैं। वैसे भी बना के खिलाते बच्चे मेरे। अच्छा देख रहे, मम्मी भी कवर कर ले रहे और पाशा भाई भी सही टाइम पे कवर कर ले रहे। तो समीरा क्या कर रहे अपन बाहर जाके देखेंगे जरा, क्या बोलते? देख सकते समीरा फ्रेश होके बाहर आके बैठ चुके हैं। बहुत जल्दी आए तुम, इतना टाइम लगा तैयार हो। दोस्तों मैं क्या बोला तुम्हें, मैं सोची अच्छा नहा लेके कर लेके आएंगे बोल के, खाली फ्रेश होके आ गई मैं। अच्छा अच्छा, सरप्राइज सरप्राइज बोलते हो, ऐसा क्या सरप्राइज है बोल के? और मेरे को पानी पीने जाने भी नहीं दे रहे, क्या चल रहा अंदर? कुछ बना रहे आप मेरे वास्ते? हाँ कुछ बना रहे मेरे वास्ते, वो तो वेट करने के बाद ही मालूम होता सरप्राइज, ऐसे नहीं बोल देते, समझ रहे ना? बोलो जी, वो तो तुम देख लो जाके। तो गाइस मैं तुम्हें वो क्या बोला था, इन्हों मेकअप तो नहीं करते लेकिन फ्रेश होने गए तो एक घंटा लगा देते, देखो वैसे ही हो गया अभी। फिर मेरे को मालूम ही था एक घंटा करते हैं बोल के। अब भूख लग रही मेरे को, भूख लग रही तो भूख लग रही तो चलो ना किचन में, आपके यहाँ से जबरदस्त में कुछ बना के रखा। किचन में एक नहीं आ लेके चलो जी, तुम किचन में सरप्राइज है। तो देख सकते हैं गाइस, तो किचन में जा रहे हैं समीरा। मतलब इससे पहले भी समीर बना के खिलाए थे, बहुत टेस्टी थे, लेकिन आज तो जरा खिराक दिख रहा मसला पाशा भाई। एक्चुअली इन्होंने बोले कि इससे पहले आपको कॉल करके नाश्ता मंगाए थे तो आप बोले कहते बाहर का नहीं खाते, तो समीर वो हिसाब से प्लान बना लिए कि अपन घर का आज खिलाएंगे भाभी को बना के। संडे स्पेशल ये चल रहा है घर पे। हाँ संडे स्पेशल है ये।
अब मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है क्योंकि घर के फेवरेट दोशे बन, अब मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, फेवरेट दोशे बन रहे मेरे घर के, वो भी पाशा में डाल रहे हैं, तो मैं तो खाने वाली हूँ। आप लोग भी देखिए वीडियो में पाशा में कितने जबरदस्त दोशे डाल रहे हैं, तो देख सकते हैं पाशा भाई फिर से दोशा डाल रहे हैं। तो पाशा भाई जरा सूरत बताओ और कुछ भी बोलो पब्लिक को। अरे यार एक ये गरम फिर खून गरम हो रहा मेरा। अरे 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 चलो डायलॉग मार दिया पाशा भाई, तो चलिए फिर बाहर चलते हैं, बाहर चल के बताते हैं क्या चल रहा क्या नहीं बाहर। तो देख सकते हैं फाइनली मम्मी जो है दस्तर डाल के बैठ चुके हैं, अभी दोषी नहीं आए। तो शायद अम्मी समीरा कहाँ गए? अच्छा दोशे लाने गए, ठीक है मैं वहाँ पे कैप्चर करता हूँ, साथ में खाएंगे बोल के बोल रही हूँ मैं। अच्छा आ रहे आ रहे, रुको। तो देख सकते हैं समीरा जो है दोशे ले लेके आ रहे हैं, तो वाओ क्या बात है। तो अभी खाकर बताएंगे कि समीरा दोशा कैसा लगा। देख सकते हैं ज़बरदस्त दस्तरखान बिछ गया है हमारे पास, आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ दोशे। डोंट डिस्टर्ब मी, तुम्हारे तो खाली यही छो ना खाते हो डिस्टर्ब नहीं करना बोलते तुम। जरा मैं भी खाता हूँ बैठ के, कैसा दिखा क्या नहीं जरा बोलता हूँ। तो खैर कैसा है? अच्छे से रहते जी। वो जबरदस्त हमेशा नहीं चला करते। वो जबरदस्त है, सही बोल रहे हैं या दिल रखने के लिए बोल रहे हैं? पहले भी खाए मैं आपको बोली ना। अच्छा पहले भी खाए, पहले के अच्छे थे या ये अच्छे थे? क्योंकि पहले तो ऐसे ही बनाए थे समीर, लेकिन ये अभी जो है आप दोनों के वास्ते बनाए, मतलब हम सबके वास्ते बनाए, स्पेशली आपके वास्ते। तो कैसा लगा? पाशा भाई बहुत जबरदस्त है, पहले से भी ज्यादा बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। क्या बात है, चलो समीरा को पसंद आ चुका है, देख सकते हैं कितना जबरदस्त दिख रहा, पूरा दस्तरखान बिछा चुके। मम्मी आपको कैसा लगा? सीरियसली चलो मम्मी को भी अच्छा दिखा करते, जरा हम भी खा के टेस्ट बता देंगे। पाशा भाई सुबह से मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा थक गए, टायर्ड हो गए। वैसे थैंक यू, बहुत अच्छे हैं दोशे। अब सोहेल खा रहे हैं यहाँ पर, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त दोशा है, स्पेशली मेरे वास्ते अंडे का दोशा डाल के दिए समीर, इतना टेस्टी है, मजा आ गया खा के। रुक रहे इसने देखो मुँह। पाशा भाई अरे जल्दी लाओ यार दोशे, पूरा फिनिश कर दिए, अभी पेट भरा इसने करते। तो क्या भूख लग रही, जल्दी लाओ। अरे बोलते कि चागे पाशा भाई, भाभी तुम खा रहे कि नहीं? क्या है ना मेरे पास, यहाँ देखो मैं दाला से आधा दोशा भी फिनिश नहीं कर रहे। तुम भी खा रहे नहीं पाशा भाई? बैठो, मैं पहला दोशा खा लिया। अच्छा पहले खा लिया, मेरे लिए देख सकते हैं समीरा भी खा लिए, मैं भी खा लिया, और किसका इंतजार कर रहे? अच्छा मम्मी और कुछ बोल रहे, आओ वही आ रहे। अरे वाह चाय भी आ गई, देख सकते हैं दोस्तों जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। माही ले लेके आए हमारे भैया, भाभी को चाय दे देते हैं, क्या बात है। तो फाइनली आज जो है समीरा डालने वाले हैं दोशा, आए हंसी दो यारी फेस पे, बाबा बाबा तेल तो ऐसा लगा रहे हैं, रे 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 आखिरी ये है, ये है हैदराबादी तड़का बोलते हैं इसको, देख रहे ना कैसा आ रहा जबरदस्त। ये डालने वाले हैं दोशे का आटा, चलो मैं पहली बार डाल रही हूँ तो क्या बात है, कैसा आता, क्या बात है क्या बात है, अच्छा ही आया। देख सकते हैं दोस्तों कितना गोल आया, जबरदस्त आखिरी खिराक दिख रहा। शेफ कब से कैसे मिला तुम, ये मेरे को तो मालूम ही नहीं, क्या बात है जबरदस्त आ गया दोशा, देख सकते हैं कितना राउंड राउंड एकदम जबरदस्त। ये दोशा तो मैं खाता हूँ, शेफ देख सकते हैं ऑयल भी डाल रहे हैं जबरदस्त, देखेंगे अब दाल तो लिए ना निकालते कैसा, मेन कलाकारी निकालने में रहती जब मालूम होता। सीरियसली मैं अभी तक दोशा डाली नहीं घर पे भी, मेरे को पसंद है लेकिन डाली नहीं, ट्राई नहीं करी। रे 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 क्या बात है, निकालने भी आ गया, ओ खत्म पलटा दिए, क्या बात है, चलो सीख गए समूह आप। अब रोज बना के डालना मेरे को दोशा, रोज रोज नहीं कभी भी दिल वाला तो बना के डाल, ये तो फर्स्ट एक डाल था फिर और एक डालते। अच्छा और एक डालते, तो गाइस ये तो फर्स्ट ट्रायल है, फिर दूसरा इन्हें डालते, खुद दिखा रहा हूँ मैं, आप ना देखते रहो ऐसे ही वॉच करते रहो, वीडियो के स्किप मत करो, बहुत मजा आने वाला है। पहला दोशा कैसा था वो भी बोल रहे क्योंकि मैं फर्स्ट बार ट्राई करी, ठीक है तो कॉमेंट करके बताइए पहला दोशा अच्छा था या सेकंड दोशा, ठीक है। तो दोस्तों दूसरे दोशे की तैयारी हो रही है, देख सकते हैं एयरपोर्ट पे तेल डाला गया है पूरा काला एयरपोर्ट पे, आप देख सकते हैं बाबा जी का छल्लू का पानी है, ओहो ये तो मैजिक है एकदम पे। आप देख सकते हैं दूसरा आटा दलने जा रहा है, देखेंगे कैसा बनता है ये दूसरा दोसा। तो गाइस देखना पहला दोसा ठीक था या दूसरा दोसा, बताना आप लोग कमेंट करके, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड,
क्या बात है, देख सकते हैं फेस पे कितनी अच्छी स्माइल है और कितना इंटेंशन लिया जा रहा है इसका दोषे का। वाओ, ये भी गाइस बहुत ज़बरदस्त बन गया, देख सकते हैं एकदम राउंड। अभी ऑयल डाला जा रहा है इस पर। ओहो, घर के दोषे ज़बरदस्त, क्या बात है। पाशा भाई तो सिखाई नहीं इनको, खाली इन्हों देख के सीख लिए। हाँ, कुछ बोल रहे थे आंटी। एक्चुअली हमारे आंटी थे जी, बहुत अच्छा डोसा डालते थे। क्या बात है, तो ये आंटी सिखाए, बोलो जबरदस्त डोसा डालना, कड़ा के एकदम पके हुआ जबरदस्त, क्या बात है। आंटी तो सिखाए नहीं, क्योंकि आंटी मेरे को खिलाते थे, सिखाए नहीं। अच्छा, बट मेरे को उनके डोसे बहुत ज्यादा पसंद आते थे। अच्छा, उनके डोसे पसंद है, मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। क्या बात है माशाल्लाह। तो आंटी, तो आंटी आप देख सकते हैं कि मतलब आपके वजह से आप मतलब ऐसे दोषे डालते थे आप, तो इसलिए आपको मिस कर रहे थे दोषों को देख के। और चटनी भी बहुत किराक बनाते थे हमारे हमीदा आंटी। अच्छा, चटनी भी किराक, सॉरी चटनी भी किराक बनाते थे कहते, और दोषे भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम खाने को मिलेगा, कोई बात नहीं। चलो दोस्तों फिर जी, बिस्मिल्लाह। तो फ्रेंड्स, मैं सोहेल को बोली थी कि सोहेल आप भी एक डोसा डाल के दिखाओ। तो सोहेल देखिए डोसा डाल रहे हैं यहाँ पर। अलमना ऑलवेज अपन हैदराबादी है, चैलेंज दिए तो पीछे नहीं हटते, करके दिखाते। अब देखो खाली हैदराबाद के नहीं है आप, आगे तो हैदराबाद के बन गए। अब हैदराबाद में रह रहे तो हैदराबाद के रहेंगे। वैसे प्लस हैदराबाद और कर्नाटक, पहले बात आने करना, काम करना। मैजिक ये मैजिक मेरे से सीख के मेरे को बता रहे। डोसा डालते तो परेशान नहीं करना। यो पहले डोसे वाले थे क्या तुम? हाओ डोसे वाले थे हमारे पापा, पहले पागल बातें कर रहे हैं। देख के सिखा तुम्हारे को, तुम ही सिखाए ना जब से। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मैं डाली तो डोसा अच्छा था या फिर सोहेल डाले से, क्योंकि सोहेल तो फर्स्ट टाइम नहीं डाले। कौन अच्छा डाले दोषा वो कमेंट करो, कि वो कमेंट मत करो ये अच्छा था या वो अच्छा है, वो कमेंट करो। सोहेल तो बहुत बार दोषा डाले, लेकिन मैं पहली बार करी, तो मेरे लिए कमेंट जरूर करना आप लोग। गाइस ब्लॉग में तो पहली बार डाल रहा हूँ, वो मेन इम्पोर्टेंट चीज है, तो आप लोग जो अच्छा बनाए उसलिए कमेंट करो, ठीक है। देखे मेरे को डालने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक निकल जाता ऐसा निकलना। तो हमारा कैसा निकला था फिर? सब मैजिक का पावर है। देखो गाइस इनके दोषे भी कितने अच्छे हैं। और मेरा दोषा यहाँ पर है, जो कि वाओ मैं कितना अच्छा दोषा डाली। गाइस देख सकते हैं ये दोषे की पहचान है, छेद ये जो छेदा दिख रहे दोषे की पहचान है तुम्हारी सूरत। सिर्फ दो दोषे डाल के मैं इतना ज्यादा थक गई, पसीने पसीने आ गए, बट मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है कि आज पहली बार मैं डोसा डाली, वो भी अच्छा डाली। पहला वाला थोड़ा सा गड़बड़ था, बट दूसरा जो डोसा मैं डाली वो बहुत परफेक्ट आया था। तो अभी सोहेल भी डाले, देन मैं तो रूम में आ गई थोड़ी हवा खाने के वास्ते। तो देखेंगे अभी सोहेल आने के बाद वो डोसे के बारे में क्या बोलते। सो सोहेल भी आ चुके हैं डोसे डाल के, थकी हुई हालत लेके। दिन ब दिन सोहेल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही। लोग पूछ रहे सोहेल पहले ऐसे थे अब ऐसे क्यों हो गए। अब सोहेल से पूछे तो सोहेल बोलेंगे शादी के असरात है, तो मैं तो कुछ भी इनको परेशान नहीं करी, इन्हों खुद इनकी हालत को ख़राब कर ले रहे। बोलो जरा सच क्या है? सच वही है जो समीरा नहीं बोले, तुम्हारा तो मैं बताती हूँ। वैसे लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने पूछा था कि समीरा आपकी नोज पिन कहाँ गई। सो पहले जो मेरी नोज पिन थी वो ठीक ठाक था, और मेरे नाक में इतना दर्द भी नहीं हो रहा था, तो मैं सोची कि नहीं लेकर मैं डालूंगी तो थोड़ा होल जो है मेरा थोड़ा सा बिग साइज का हो जाएगा, देन अच्छा लगेगा। लेकिन वो डालने की वजह से जो है ना मेरी ये वाला जो है ना बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, मेरी नोज़ बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी, इसीलिए मैं क्या करी बोले तो ये जो नीम की काढ़ी है वो हमारे सासू माँ डाले, ताकि नीम की काढ़ी से दर्द भी कम हो जाता, और जो क्या कहते हैं वो जो कच्चापन रहता है ना दर्द का वो भी थोड़ा सूख जाता बोल के बोले, तो मैं वही डाल ली। तो और कुछ कहना नहीं है। दोषे कैसे लगे? पाशा भाई को भी रियली थैंक यू सो मच कि आज मुझे सरप्राइज किए दोषे डाल के। बिल्कुल ना कुछ बोलो। नहीं रियली बहुत अच्छा दिखा, और
लास्ट में जो हुआ मतलब इनो और मैं जो दोसा डाले दोनों में से किसका दोसा अच्छा था कमेंट करके बताओ। बिल्कुल ऑफ कोर्स मेरा ही दोसा बहुत अच्छा था। अब सोहेल को चाहने वाले सोहेल का नाम लेंगे और मेरे चाहने वाले मेरा नाम लेंगे। सो वैसे अगर सोहेल का भी नाम बोले तो मैं सोहेल को चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि सोहेल का दोसा ही अच्छा है बोले आप लोग। दोनों में से एक बात करो जान, आपको बोलना मेरे को बोलना होता है। अगर मेरे को बोले तो आपको बोले जैसा, तो आप लाइट लो मेरे को बोलते ना तो आप भी खुश हो जाना। आपको बोले तो मैं दरा दरा खुश हो जाती हूँ। जाने दो, आपका ही दोसा अच्छा है बस, तो आप लोग भी कमेंट करके इनका ही दोसा अच्छा है बोलो। नहीं फ्रेंड्स, मैं इनको चाहती हूँ, आप जो भी बोलना इनको बोल सकते, इनका मैं ले लेती हूँ, अलग बात है। सो अभी ये फाइनल बात मुझे ये बोलना है कि आप सभी प्लीज सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं एंड हमारे जो व्लॉग्स अगर आप सभी को पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें। लाइक भी नहीं कर रहे आप लोग, लाइक करो यार, लाइक करो, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। देखिए ऐसा कुछ है नहीं, बट ऐसे हम लोग घरेलू व्लॉग्स बना लेते हैं जो हमारी आम जिंदगी है, जैसे हम नेचुरल, जैसे लोग सोचते कि समीरा खान, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते हैं जैसे कि आप सभी को इस ब्लॉग में दिखाई जा रहा है। तो ख्याल रखिए अपना, सब्सक्राइब करें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।